पोकेमोन यूनाइट में हमें एक एडवांस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। इसे अनेबल करने के लिए आप लोगों को गेम के सेटिंग्स में जाना है, फिर आप लोगों को कंट्रोल में जाना है, फिर अटैक कंट्रोल में आप लोगों को एडवांस कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप लोगों को अनेबल कर देना है। इसे अनेबल करने से हम लोगों को गेम के स्क्रीन में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन करता क्या है कि ये हम लोग को वाइल्ड पोकेमोन या फिर लेजेंडरी पोकेमोन को मारने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि आप लोग किसी भी बैटल में हैं, यहाँ पर आपके आसपास बहुत सारे वाइल्ड पोकेमोन हैं और कुछ ओपोनेंट के पोकेमोन भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। ओपोनेंट के पोकेमोन के कारण आप लोगों का बैटल यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, आप लोग यहाँ पर वाइल्ड पोकेमोन को डिफीट नहीं कर पाते हैं, जिससे आप लोगों को पॉइंट्स कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये बटन दिया गया है। जब भी आप लोग ऐसे किसी भी सिचुएशन में होंगे तो फिर आप लोग इस बटन में प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो पोकेमोन है वो वाइल्ड पोकेमोन और ओपोनेंट के पोकेमोन के बीच में वाइल्ड पोकेमोन को ही टारगेट मिलेगा, मतलब आप लोग आसानी से वाइल्ड पोकेमोन को डिफीट कर पाएंगे। यहाँ पर चाहे जितने भी ओपोनेंट्स क्यों ना आ जाए, आप लोगों का मेन टारगेट यहाँ पर वाइल्ड पोकेमोन ही होगा। और इस ऑप्शन की सबसे खास बात यह है कि जब भी फाइनल स्टेज स्टार्ट होता है, मतलब जब हम लोग को लेजेंडरी पोकेमोन को डिफीट करने का चांस मिलता है, उस वक्त ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा काम आता है, क्योंकि लेजेंडरी पोकेमोन को डिफीट करने के लिए सारे टीम एक साथ चल जाते हैं। ओपोनेंट के सारे मेंबर आप लोगों को लेजेंडरी पोकेमोन डिफीट करते हुए मिल जाएंगे। तो इस दौरान आप लोगों को इस बटन में प्रेस करना है ताकि लेजेंडरी पोकेमोन को आप लोग डिफीट कर पाए और सारा पॉइंट्स ताकि आपको मिले। तो इससे आप लोगों का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा और आप लोग काफ़ी आसानी से ढेर सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर पाएंगे। तो वीडियो में बस इतना था। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।